एवरेज का और एक है हमारा डिट्रेंटेंट का। ओके तो गाइस ये डिट्रेंटेंट प्राइस ऑस्किलेटर है। ओके ये प्राइस के ऊपर डिपेंड है, ये प्राइस को बताएगा अपने को। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो इस पे भी हम एक राम राम डियर ट्रेडर्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो पे। और ट्रेडर्स, आज वाली वीडियो पे हम बात करने जा रहे हैं अगेन मार्केट प्लेस के बारे में। इससे पहले भी हमने एक वीडियो पे इसके बारे में बात किया था, तो उसी वीडियो पे एक रैंडम कमेंट जो हम पिक कर रहे हैं यहाँ पे, उन भाई ने मैसेज करा था कि आप सर मार्केट प्लेस का सबसे हाईएस्ट प्राइस का जो भी चीज़ रहेगा, जो भी कैंडल स्टिक पैटर्न रहेगा या फिर जो भी इंडिकेटर स्ट्रैटेजी रहेगा, आप उसे परचेस करके दिखाओ। ओके सो हम उसे परचेस करके दिखाएंगे और साथ में आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्या ये वो एक्चुअल में वर्क करती है या फिर वो वेस्ट ऑफ द मनी है। ठीक है ना। एंड उससे पहले गाइस मैं आपको ट्रेड दिखा दूं आज के हमारे कुछ सेशन के रिजल्ट्स हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलता हूँ, जब मार्केट स्टेबल रहता है तो हम अपना अमाउंट बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने पूरी ट्रेड $100 के लिए है। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि आज मार्केट स्टेबल था। और इसका अपडेट गाइस हम पहले ही हमारे पब्लिक ग्रुप, लर्निंग ग्रुप, फीडबैक ग्रुप एंड वीआईपी ग्रुप में कर देते हैं। चार ग्रुप है, चारों का चारों आप लोगों के लिए फ्री है। इसके लिए आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, यूज़र आईडी मैं डिस्प्ले पे शो करवा दूंगा, कहीं पे भी जाके सर्च ना कीजिए। इवन हमारी टेलीग्राम की आईडी का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट कॉमेंट पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप मैसेज कर सकते हो। ओके, क्योंकि मैं अगेन एंड अगेन आपको अवेयर कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी फेक आईडीज़ बन चुकी है। यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो गाइस, मैंने कैंडल स्टिक पैटर्न वगैरह खोल के रखा है। इसके बारे पे भी हम आगे बात करेंगे कि कौन सी पैटर्न क्या एक्चुअल में वर्क करती है। ठीक है, आगे हम आप लोगों के लिए सीरीज़ लेके आएंगे जो कि पैटर्न बेस्ड रहेगा। ओके, पैटर्न को देख के अपन प्रडिक्शन करेंगे कि आगे क्या रहेगा, कैसे रहेगा। ठीक है, तो इस पर हमने रील्स बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। तो इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट पिन पर एंड यूज़र आई डी यहाँ पर दिख ही रही होगी। ओके, सो ये तो रहेगा इस हमारी वी आई पी सेशन का। ठीक है, अब हम चलते हैं मार्केट प्लेस पे। ओके, वीडियो ज़्यादा नहीं खींचेंगे। रैंक अगेन मैं आप लोग को बता दूँ गाइस, रैंक कैसे मिलता है। सपोज़ गाइस हम यहाँ पे ट्रेड्स ओपन करते हैं समथिंग $100 से लेके $1000 तक का, तो हमारे रैंक पे जो भी दिखेगा ना गाइस, वो 100 से लेके $1000 के बीच में ट्रेड ओपन करते हैं उसके रेंज पर हम आएंगे। ओके, मैं यहाँ पर ट्रेड्स अभी नहीं कर रहा हूँ तो उसकी वजह से मेरा रेंज अभी सेम है, रुका पड़ा है, पॉज हुए। ओके, तो मार्केट प्लेस पर जाते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। ओके, मैंने बहुत सारी यहाँ पे परचेसेस की हुई है, अगर आपको रिव्यू चाहिए तो बता दीजिए। एंड कुछ लोग बोलते हैं कि ये वेस्ट ऑफ द मनी है, ख़रीदना परचेस करना बेकार है, तो मैं बता दूँ गाइस आप लोग अपना मनी मत फंसाइए। आप लोग को अगर किसी के अभी रिव्यू चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, उसके ऊपर वीडियोज़ लेके आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर गाइस जैसा कि आप चेक कर पा रहे हैं, यहाँ पर तीन हाइएस्ट मेरे को दिख रहा है। ओके, मैं आप लोग को क्लियर कर दूँ, यहाँ पर मेरे को तीन हाइएस्ट दिख रहा है। ओके, $73 का दिख रहा है, $70 का दिख रहा है, $98 का दिख रहा है। ठीक है, सो इसको छोड़कर हम और देखते हैं। ओके, क्योंकि लास्ट देखेंगे जो सबसे ज़्यादा पे रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हाईएस्ट अगर हम देखें तो हाईएस्ट अपने को दिख रहा है $98 पर मंथ। ठीक है, इसको छोड़कर और चलते हैं ट्रेडिंग सिग्नल्स। ट्रेडिंग सिग्नल्स पे देख लेते हैं कि इस पर हाईएस्ट अपने को कितना मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर 3, 5, 8 बस आप अफोर्ड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मजोर स्विंग ये सबसे ज़्यादा है, $20 पर मंथ। ठीक है, इसको छोड़े आगे बढ़े एस्ट्रो, ये आपको जितनी भी एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड जो एसेट रहेगी उसके बारे में बताएगी, मून के ऊपर है ये। ओके, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आई होप कि यहाँ पे अपने को थोड़ा बड़ा अमाउंट का मिले। ओके, सो नो गाइस यहाँ पे भी उतना बड़ा नहीं है। यहाँ पे ट्रेड हंटर दिख रहा है $30 का, एंड उसको छोड़े तो फिर बस यहाँ पे एक $15 का दिख रहा है, इची मुको। ओके, सो गाइस अगर आपको इची मुको क्लाउड के ऊपर वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट कीजिए, बिकॉज आप कमेंट करोगे देन हम वीडियोस बनाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो आप लोग के कमेंट पे छोड़ते हैं, आप लोग बताइए कि किस कंटेंट पे हम वीडियो बनाएं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि इची मुको क्लाउड के ऊपर वीडियो बनाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। बस आप लोग कॉमेंट करके बता दीजिए। ठीक है, तो सो गाइस अभी तक मेरे को हाई प्राइस में मेरे को सिर्फ वही दिखा था जो ये अपना ट्रेडिंग कंडीशंस। ओके, ये अपने को ट्रेडिंग कंडीशन बताएगी और मैं आप लोग के लिए परचेस करता हूँ एडवांस स्टेटस।
ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या होता है कैसे होता है। यहाँ पे आप लोग को कुछ ट्यूटोरियल्स बता रहा है कि एक्चुअल में वर्क कैसे करेगा। ठीक है, सो ये आपको गाइस कुछ कुछ स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करेगी शायद। ठीक है, आगे पता करेंगे क्योंकि मैं अभी लाइव ही आप लोग को बता भी रहा हूँ और खुद चेक कर रहा हूँ। ओके, सिक्स मोर एक्सक्लूसिव फीचर्स। ओके, सो गाइज इसे अपन अगर परचेस करते हैं तो अपने को 6 मोर एक्सक्लूसिव फीचर्स मिलेगा। ठीक है, मैं यहाँ पे परचेस कर लेता हूँ आप लोगों के लिए। ओके, यहाँ पे गाइज आप चेक कर पा रहे हो, 12 मंथ का अपने को $1,000 पड़ेगा, 6 मंथ का अपने को $550 पड़ेगा, 3 मंथ का अपने को समथिंग $300 के अराउंड पड़ेगा। अभी 1 मंथ का देख लेते हैं। ओके ओके, आप अकाउंट बैलेंस पे यहाँ पे नज़र रखिए और ये कट चुका है। ठीक है, यहाँ से कट गया, सक्सेसफुली हो गया। अब उसे एनेबल भी कर लेते हैं। ठीक है, ओपन इन दे। ओके, सो गाइज यहाँ पे अपने को बताया जा रहा है एक्टिवेट ये हो चुका है, एंड अगर मैं $2,000 और डिपॉजिट करता हूँ तो नेक्स्ट स्टेटस मेरे को एक्सपर्ट लेवल पे मिल जाएगा। ठीक है, ओके, सो ये आई थिंक एक्टिवेट हो चुका है गाइस। कॉलम ट्रेड पे जाएंगे, यहाँ से कट करते हैं। ओके, सो गाइस ये अपने को मिल चुका है। ठीक है, एक्टिवेट कैसे करना है वो भी थोड़ा देख लेते हैं इस तरफ। ओके, यहाँ से निकलेंगे, इस पे जाएंगे। ओके, सो गाइस मेरा जो लेवल अभी एक्सपर्ट पे था वो वापिस से आ चुका है गाइस एडवांस्ड पे। ठीक है ना, आपने नोटिस किया होगा पहले एक्सपर्ट था, एडवांस पे आ चुका है। ठीक है, तो ये उन लोगों के लिए बेटर है जिसका अकाउंट अभी अर्ली है। ओके, बिगिनर्स के लिए बेटर है। ठीक है, क्योंकि जिसका अकाउंट अगर स्टार्टर है उनके लिए बेटर है, बाकी जो एक्सपर्ट लेवल अचीव कर चुके हैं उनको कोई मतलब नहीं है इसको परचेस करने का। ठीक है, मैंने परचेस कर लिया। तो जैसे कि मैं इचीमुकू क्लाउड के बारे में बात कर रहा था, ये गाइस हमारा इचीमुकू क्लाउड। ठीक है, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग बोलोगे तब जाके वीडियो बनेगी। ओके, तो फटाफट कमेंट कर देना एंड लाइक ज़रूर करना गाइस। आप लोगों के लिए मैंने एक परचेस किया हुआ है। ठीक है, एंड उससे मेरे को ही घाटा हुआ क्योंकि मैं एक्सपर्ट से सीधा एडवांस पे आ गया। ठीक है, ओके, सो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में अपने को मिलिम्यूस ऐसा कुछ करके है एक। ओके, यूरो यूएसडी पे अपने को 92% तक का देखने को मिलेगा। ठीक है, 7 एडवांस प्लस एक्सपर्ट स्ट्रेटजी फॉर FTD मोड। ओके, फिक्स टाइम ट्रेडिंग पे अपने को 7 मोर एडवांस्ड फीचर्स देखने को मिलेगा यहाँ पे, ये हो गया। एंड स्पेशल मटेरियल्स यहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा, डेली रिव्यू फॉर द VIP डिपार्टमेंट्स की तरफ से। एंड ट्रेडिंग सिग्नल्स अपने को मिलेगा गाइस, स्विच टू एक्टिवेट अपने को करना पड़ेगा स्टेटस लेवल पे, कुछ दिनों पे अपने को दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग चेक कर पा रहे हो कि किस प्रकार से सिग्नल मिलेगा। ओके, एंड अगेन मैं आप लोग को बता दूंगा गाइस, अगर आप लोग को हमारे सिग्नल ग्रुप पे ज्वाइन होना है तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम पे जाके आप लोग हमें मैसेज सेंड कर दीजिए, सबसे पहले आप पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हमने यूज़र आईडी शेयर किया हुआ है, वहाँ से जाके आप हमें मैसेज कर दो, हमारी टीम आप लोग को एंट्री दे देगी। ओके, सो ये हो गया गाइस हमारा, एंड अपन चेक कर लेते हैं कि क्या अपने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ओके, मेजॉरिटी में मेरे को अभी तो ये मिल नहीं रहा है, बट आगे देखते हैं कि मिलता है कि नहीं मिलता। बट मेरा जो लेवल था एक्सपर्ट वो हो चुका है गाइस एडवांस्ड। ठीक है, एंड अपन स्ट्रेटजीज में देख लेते हैं कि क्या कोई स्ट्रेटजी मिली या फिर नहीं। ओके, सो गाइस मेरे को यहाँ पे 2 न्यू इंडिकेटर देखने को मिल रहा है। ठीक है, ये इंडिकेटर मैंने इससे पहले नहीं देखा था, अगर होगा अगर था आपके अकाउंट में तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वाली इंडिकेटर आपके में थी या फिर नहीं। ओके, यहाँ पे आप चेक कर पा रहे हो, एक है गाइस एवरेज का और एक है हमारा डिट्रेंडेड का। ओके, तो गाइस ये डिट्रेंडेड प्राइस ऑस्किलेटर है। ओके, ये प्राइस के ऊपर डिपेंड है, ये प्राइस को बताएगा अपने को। ठीक है, अगर आप बोलोगे तो इस पर भी हम एक पर्टिकुलर वीडियो लेके आएंगे। और इसको छोड़ के ये मेरे को दिख रहा है गाइस, बट ये तो सभी के में था क्योंकि मैं अपनी अर्ली स्टेज पे इसी का उपयोग ज़्यादा करता था। ठीक है, एंड WMA ये मेरे को न्यू लग रही है, बट आप लोग कमेंट करके बताना कि ये था कि नहीं। बुल बियरिश, इन दोनों के ऊपर वीडियो पोस्ट हो चुकी है, अगर आपने नहीं देखी है तो जाके चेक कर ले। ओके, विलियम परसेंट आर, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना दी, अगर आप लोग बोलोगे तो उसका पार्ट 2 भी आ जाएगा। अरुण करके है एक स्ट्रैटेजी, इसके ऊपर भी हमने वीडियो पोस्ट की थी, अगर आप इस पर भी कॉमेंट करोगे तो वो भी वीडियो आ जाएगी। CCI, ओके, ये भी गाइज वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है, अगर आप लोग यूज़ करना चाहे तो इसका भी उपयोग कर सकते हो। ठीक है, इसको कैसे यूज़ करना है क्या करना है उसके ऊपर भी हम लोग वीडियो बना के लेके आ जाएंगे। मोमेंटर्न ऐसा कुछ करके है, इसके ऊपर भी वीडियोस आ जाएगी। यहाँ पे बता रहा हूँ, ओके, रिव्यू नहीं दे रहा गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या न्यू है। ओके, एंड ड्राइंग में देखेंगे तो ड्राइंग में अपने को कुछ नहीं मिला। ठीक है, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पे जाके देखते हैं, स्ट्रेटजी FTT, यहाँ पे गाइस अपने को अवेलेबल है SMA 10। ठीक
ठीक है, जो अपने को अभी जो परचेस किए उससे आया। ऐसे में टेन भी उपयोग करके देख लेते हैं कि क्या बता रहा है ये। ओके सो गाइस, ये मेरे को समझना पड़ेगा तब जाके मैं आपको समझा पाऊंगा। ओके मैं अभी आपको कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है। बाकी गाइस ये अपने को मिला है, ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पे जाओगे वहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। ये मैंने परचेस किया हो तो वो है जो अपने को मिला है, ठीक है। यहाँ पे तो सबसे पहले अपन कैंडल चेंज कर लेंगे। कभी भी गाइस आप जब भी ट्रेड करो ध्यान इस बात का रखना कि आपका जो चार्ट है वो जापानीज कैंडलस्टिक पैटर्न पे ही हो, ठीक है ना। बियरिश या फिर ब्रश एरिया चार्ट इस पर नहीं होना चाहिए, ओके। बाकी गाइस हम बात कर रहे थे कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर भी वीडियोज़ आने बाकी है, अगर आप लोग चाहोगे तो इस पर भी वीडियोज़ आएगी, ठीक है। क्योंकि गाइस आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो, ये मैंने आपको कई बार बता रखा है और ये सबसे ज़्यादा ज़िगज़ैग एंड पैराबोलिक का जो स्ट्रेटजी मैं आप लोग को बताता हूँ उसमें ये जितनी भी कैंडल्स है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है भाई, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है गाइस, थ्री वाइट शोल्डर्स, ओके। थ्री वाइट शोल्डर्स यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, थ्री वाइट शोल्डर्स। एंड इसे अपन देखते हैं गाइस हमारे ऑलम ट्रेड पे, इसको कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, ए टू जेड आप लोग को इस पर वीडियोज़ मिल जाएगी। अगर आपको चाहिए तो गाइस एक छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड सेम मोमेंट यहाँ पे अपना बन रहा है, ओके। बन रहा है क्या गाइस, ये बन चुका है, ठीक है। थ्री वाइट शोल्डर्स यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, थ्री वाइट शोल्डर्स यहाँ पे ऑलरेडी बन चुका है, ठीक है। बट इसमें यह है गाइस कि उसका जो डोजी है वो नीचे की तरफ ज़्यादा बन चुका है, ठीक है ना। तो उसको अपन कन्फर्म नहीं बोलेंगे, बस आपको गाइस यहाँ पे नॉलेज मिलेगी कि किस कैंडल को क्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे गाइस थ्री वाइट शोल्डर्स है, उसके बाद थ्री ओ साइड अप है, उसके बाद है गाइस हरामी ऐसा, उसके बाद है लेडर बॉटम, उसके बाद है गाइस मीटिंग लाइन, फिर है थ्री इनसाइड लाइन, पुलिश इनगुफलिंग, उसके बाद है गाइस स्टिक सैंडविच, ओके स्टिक सैंडविच, ठीक है। तो बहुत सारी इंडिकेटर्स यहाँ पे आपको मिलेगी, अगर आप चाहोगे तो प्रॉपर हम इन सभी के ऊपर वीडियोस लेके आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेक करो गाइस बुलिश इनफुलिंग्स जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया, मॉर्निंग स्टार, ये ज़्यादातर गाइस बहुत सारे ट्रेडर्स के मुंह से आपने सुना होगा कि मॉर्निंग स्टार क्या होता है, बुलिश पिन बार क्या होता है, उन्होंने सिर्फ बोल के बताया लेकिन एक्सप्लेन किसी ने नहीं किया, ठीक है। बियरिश पिन बार है गाइस, बुलिश पिन बार है, बियरिश हरामी है गाइस, यहाँ पे इवनिंग स्टार है, मॉर्निंग इवनिंग स्टार है, बियरिश इनफुलिंग्स इनगुफलिंग्स ऐसा है कुछ, तो बहुत सारी चीज़ें आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है गाइस, सिंपली सा कमेंट करना है, फटाफट कमेंट करो। यहाँ पे हम कुछ इंडिकेटर आप लोग को ढूंढ के बताते हैं कि क्या होता है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार के बाद क्या होगा, इवनिंग स्टार के बाद क्या होगा, ठीक है। मॉर्निंग स्टार में गाइस आप यहाँ पे चेक करो, मॉर्निंग स्टार में जो इसका स्टार्टिंग का कैंडल रहेगा वो रहेगा रेड, इवनिंग स्टार में जो इसका स्टार्टिंग का कैंडल रहेगा वो रहेगा ग्रीन, ठीक है। उसके बाद गाइस इस पर जो डोजी फॉर्म होगा गाइस वो डाउन के लिए फॉर्म होगा, और इस पर जो डोजी फॉर्म होगा गाइस वो अप के लिए होगा, ठीक है। मॉर्निंग स्टार जानने के लिए गाइस स्टार्टिंग का दो कैंडल देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। अगर मॉर्निंग स्टार पे ये दो फॉर्म होता है, सपोज़ गाइस एक अपने को फुल बॉडी के साथ अपने को रेड कैंडल देखने को मिला, देन उसके बाद उसके डाउन तरफ, ओके, मार्केट का जो एंट्री लेवल है वो ये है, ओके। मैं थोड़ा बेटर वे में आपको समझाने की ट्राई करता हूँ, ओके। सो गाइस यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि कैसे किस प्रकार से हम एनालाइज कर सकते हैं, ओके। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर पहले तो रेड कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है, बट उससे पहले आप ये देखिए कि रेड कैंडल का जो स्टार्टिंग है वो यहाँ से हुआ और इसने मार्केट ये स्टार्ट इस लेवल पे हुआ और इसका जो डाउन है गाइस वो इस लेवल तक आया, ओके। देन इसके बाद अपने को बीच में देखने को मिला फुल बॉडी, उसके बाद गाइस जस्ट नेक्स्ट कैंडल सेम जहाँ से ये क्लोज हुआ यहाँ पे क्लोज हुआ, मार्केट यहाँ से स्टार्ट हुआ, इसका अप था यहाँ पे, इसका डाउन था यहाँ पे, देन उसके बाद गाइस यहाँ से मार्केट स्टार्ट होगा, यहाँ से हम एक मिनट के लिए ट्रेड ओपन करेंगे जो कि अपने को विन देके जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट होगा गाइस यहाँ पे ये, ओके, इसका जस्ट अपोजिट होगा इवनिंग स्टार, ठीक है। तो अपन ट्राई करते हैं मार्केट में ढूंढने की कि क्या अपने को मिलता है या फिर नहीं। सो गाइस यहाँ पे हम ट्राई करेंगे इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार, दोनों में से किसी एक को देखने की, ठीक है। सबसे पहले तो अपने को ये चेक करना है गाइस कि यहाँ पे अपने को रेड कैंडल दिखे, ओके। रेड कैंडल के बाद देखेंगे कि क्या होता है, ओके। सो गाइस ये आपको फट से तो दिखेगा नहीं, ठीक है, बट यहाँ पे अपन ट्राई कर लेते हैं कि अगर यहाँ पे दिखता है, ओके ओके। सो मेरे को यहाँ पे कुछ दिख रहा है गाइस, इसको देख लेते हैं कि क्या इसके ऊपर कुछ है अपने गूगल पे।
ओके सो गाइज, मैंने कोई और चार्ट यहाँ पे ओपन किया है, इसको देखते हैं 2 मिनट। एंड ये वाली थी हमारी, ओके सो हैमर के बारे में देखते हैं गाइज, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांडिंग टॉपिक है ये भी हैमर, तो हैमर का देखते हैं यहाँ पे। ओके सो गाइज, जब अगर कंटिन्यू दो रेड बनेगी और उसके बाद सो गाइज यहाँ पे आप ध्यान से चेक कीजिए, दो कंटिन्यू रेड बनती है और अगर उसके बाद एक हैमर फॉर्म होता है, हैमर यहाँ पे अपन किसको बोलेंगे गाइज, हैमर अपन यहाँ पे इसको बोलेंगे। ओके ध्यान से देखिए, उसके बाद आप लोग लाइव मार्केट पे भी चेक कीजिएगा। ओके अगर हैमर बनता है देन उसके बाद गाइज हम वहाँ से 2 से 3 मिनट के लिए ट्रेड ओपन कर सकते हैं अप ट्रेंड पे, अगर हैमर यहाँ पे रेड बन रहा है तो। ओके इसका अपोजिट हो रहा है हैंगिंग मैन अगर हो रहा है, ओके इसे हम बोलेंगे गाइज हैंगिंग मैन। ओके ये हमारा हैमर हो गया, ये हो गया हमारा हैंगिंग मैन। सो यहाँ पे अगर अपन हैमर देखें तो ओके सो गाइज यहाँ पे हम हैमर चेक करते हैं, यहाँ पे अपने को उल्टा हैमर दिख रहा है। ओके उल्टा हैमर, तो गाइज यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे लिखा रहा है इन्वर्टेड हैमर, ठीक है, अपने को यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर तो देखने को मिल रहा है। ओके अपने को यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर देखने को तो मिल रहा है, एक सेकेंड यहाँ पे आप नज़र डालिए, यहाँ पे अपने को इन्वर्टेड हैमर देखने को मिल रहा है। उससे पहले यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ गाइज, यहाँ पे रेड हुआ और यहाँ पे चेक कीजिए, पहले रेड कैंडल का था, उसके बाद अपने को यहाँ पे हैमर देखने को मिला, इन्वर्टेड हैमर देखने को मिला, देन उसके बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली डाउनवर्ड था एंड 5 से 10 मिनट के लिए तो मार्केट यहाँ पे डाउनवर्ड ही था। ओके उसके बाद इसने अपनी रेंज को तोड़ा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसने अपना सपोर्ट बनाया। तो अपन ये समझ सकते हैं गाइस कि जहाँ पे अगर इन्वर्टेड हैमर अपने को देखने को मिलता है तो चांसेस है कि जो नेक्स्ट मार्केट का जो रेजिस्टेंस रहेगा वो इन्वर्टेड लेवल का जो लाइन रहेगा उसको बनाएगा। ओके और अगर अपन डाउन में इन्वर्टेड देखें तो डाउन पे अपने को देखने को मिलेगा गाइस इस लेवल पे, ओके जो कि इसने ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है। ओके ओके सो गाइस अभी हम बात करते हैं एडवांस ब्लॉक के बारे में, क्योंकि मेरे को जो भी दिख रहा है यहाँ पे मैं आपको दिखाने की और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। एडवांस ब्लॉक यहाँ पे बन सकता था बट यहाँ पे बना नहीं। ओके एडवांस ब्लॉक क्या है मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप चेक कीजिए, 4 कंटिन्यू यहाँ पे कैंडल बनेगी अप ट्रेंड पे, जिस भी डायरेक्शन पे रहेगी यहाँ पे ट्रेंड बनेगी, देन इसका जो हाई लेवल रहेगा वो ये रहेगा, देन उसके बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली डाउन रहेगी। ओके यहाँ पे भी गाइस हैमर देखने को मिला गई, ये जितनी भी कैंडल है इसमें सब में आपको हैमर देखने को मिलेगा। बात यह है कि उसका जो नेम वगैरह है वो आपको थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके ओके सो गाइस यहाँ पे अपन चेक करते हैं अभी। ओके सो गाइस आप इस पॉइंट पे नज़र रखिए, इसको बोलते हैं गाइस 3 स्टार इन द साउथ। ओके 3 स्टार इन द साउथ इसका नाम है। इसमें बेसिकली होता क्या है गाइस, यहाँ पे आपको कंटिन्यूसली सेम डायरेक्शन पे कैंडल्स फॉर्म होती हुई दिखेगी रेड पे, ठीक है, मतलब कंटिन्यूसली मार्केट डाउन रहेगा। अगर आप 1 मिनट की चार्ट फ्रेम पे देखेंगे तो आपको 1 मिनट पे दिखेगा। ओके जिस भी डायरेक्शन पे दिखेगा ये सेम दिखेगा आपको, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि 1 मिनट पे दिखे। यहाँ पे कंटिन्यूस आपको 4 दिखेगा ओके डाउन के लिए, इसका जो लास्ट रेंज रहेगा वो इस लेवल पे रहेगा गाइस, देन यहाँ से मार्केट अप जाएगा। अब मैं सेम डायरेक्शन का आपको यहाँ पे हमारे ऑलम ट्रेड पे दिखाता हूँ गाइस। ओके यहाँ पे चेक कीजिए गाइस, इस डायरेक्शन पे चेक कीजिए। ओके सो गाइस यहाँ पे आप चेक कीजिए, यहाँ पे आपको सेम दिख रहा है ओके, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे बताया सेम डायरेक्शन पे आपको 4 रेड कैंडल दिखेगी, देन उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन होगा मार्केट पे, इसका जो लास्ट लेवल रहेगा वो यहाँ रहेगा जहाँ पे मार्केट क्लोज होगी, देन वहाँ से अपोजिट डायरेक्शन पे कैंडल स्टार्ट होगा जो कि हमारा हुआ यहाँ पे। ओके किसी और करेंसी पेयर पे देखते हैं गाइस, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे एशिया कंपोजिट इंडेक्स पे देखते हैं एंड अगेन मैं आपको बता दूँ इसका जो लास्ट जो पॉइंट है रेजिस्टेंस है वो ये है। ओके यहाँ तो गाइज मैं सबसे पहले ट्रेड ओपन कर दूँ, मैंने यहाँ पे 2 ट्रेड ओपन किया है $400 का, ठीक है, क्योंकि ट्रेड जब अपन लेते हैं ना गाइज, ट्रेड लेते लेते एक्सपीरियंस हो जाता है कि मार्केट कब कहाँ से कैसा रिजेक्शन कर सकता है। ओके एंड उसको छोड़े तो अपन यहाँ पे गाइस अपन बात करेंगे, मैंने ट्रेड यहाँ पे इसलिए ओपन करा क्योंकि
आप लोग बोर ना हो जाओ, ठीक है। मैं यहाँ पे समझ रहा हूँ और आप लोग को समझा भी रहा हूँ, ठीक है। आगे वाली वीडियोस पे अगर आप लोग का कमेंट अच्छा रहा तो आगे मैं और बेटर वे में आप लोग को समझाने की ट्राई करूँगा, ठीक है। सो गाइस आप यहाँ पे चेक कीजिए स्मूदिंग स्टार, इसका जो स्मूदिंग स्टार, ठीक है, तो ये और जो अभी मार्केट बन रही है वो कैसा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट ये वाली वीडियो ज़्यादा लंबी बनेगी गाइस, तो इस वीडियो को अपन यहीं पे क्लोज करते हैं। मैंने जो रेजिस्टेंस बनाया वो बहुत देर बाद और बहुत अब लेवल पे बनाया, ओके, बहुत अबव पे जाके इसने अपना जो रेजिस्टेंस है वो बनाया, तो कोई चांस नहीं है कि यहाँ पे जो मार्केट है वो अब ट्रेंड को ही रहेगी, ठीक है। प्लस उसको छोड़े तो यहाँ पे आप चेक कीजिए डोजी प्लस शेडो, यहाँ पे कैंडल बना, ठीक है, उसको यहाँ पे एक हाफ डोजी कैंडल पे यहाँ पे अपने को ग्रीन कैंडल बना, ठीक है, उसके बाद देन मार्केट अभी तक कंटिन्यूसली डाउन है, ओके। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको देख के आप अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हो, ओके। देन नेक्स्ट वीडियो पे अपन कैंडलस्टिक पैटर्न को देख के सेम उसी की तरह अपन ट्रेड लेके आप लोग को दिखाएंगे, ठीक है। बाकी गाइस आप लोग कॉमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको किस कैंडल के ऊपर वीडियो चाहिए, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो कैंडलस्टिक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, ओके, पोटेंशियल डाइवर्जन यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, पोटेंशियल डाइवर्जन ये भी आपने काफ़ी सारे ट्रेडर्स के मुंह से सुना होगा, ठीक है। तो हम गाइस यहाँ पे आपको लाइव करके दिखाएंगे सब चीज़। प्लस आप लोगों में से काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर कोई बुक सजेस्ट कर दो, तो बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं, आपको गूगल में सब चीज़ें कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा वो हम बताएंगे आपको, ठीक है। जस्ट आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, ओके। बाकी टेलीग्राम पे ज्वाइन है, ज्वाइन हो जाओ, वहाँ पे डेली के फ्री शॉर्ट शॉर्ट सिग्नल आप लोग को मिल रहे हैं और हम ट्रेड बाइनरी प्लेटफॉर्म्स के, तो ज्वाइन करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक में चाहिए। बाकी इस वीडियो पे इतना ही, हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल।